हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के अब बज चुके हैं 6। आज जाना है ऋतिक को छोड़ने हॉस्टल सिरसा। इसकी स्टडी वहाँ पे होगी गाइस, आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले व्लॉग में। और आज का व्लॉग गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए गाइस। और पीछे हमारी दीदी तैयार हो रही है, 4 घंटे लगा दिए तैयार होने में, अभी तक तैयारी नहीं हुई इनकी। देखिए बाल कैसे खुआ रहे हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। पॉपले आपले पॉपले मेरा वो जाएंगे बाइक के थ्रू, बाय बाइक। 130 किलोमीटर का सफर है। तो चलिए गाइस चलते हैं। गाइस देख सकते हैं हम जा रहे हैं सिरसा। तो गाइस जा रहे हैं सिरसा, और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। मिलते हैं जल्दी सिरसा। 130 किलोमीटर का सफर है गाइस, तो देखिए कैसे बाइक को भगाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ सूरज का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है गाइस, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं ढाबा वाली कंटीन पे, यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे यहाँ से। तो भैया जी, अगर अपने मनपसंद रेस्टोरों में आकर आपने 2-4 फोटो कैप्चर नहीं की ना, तो खाने का मजा नहीं आता। तो 2-4 सुंदर सुंदर फोटो कैप्चर करने के बाद हम चल दिए सीधे सरसा की ओर। तो करिए श्याम अस्ताना जी धाम के दर्शन। तो गाइज एंट्री हो चुकी है शास्तनाम जी धाम सिरसा नेजिया खेड़ा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से एंट्री होती है। ये बाहर का व्यू है, जिसने डेरा नहीं देखा है वो देख सकता है किस प्रकार ये। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं मेन गेट, जो जेंट्स एंट्री करते हैं, जहाँ बॉयज अंदर जाते हैं, जहाँ से ये वो मेन गेट है गाइज। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। और अभी जा रहे हैं सीधे ऋतिक के स्कूल की ओर, क्योंकि हमने जाना सीधा स्कूल। तो रुक चलते हैं गाइज वहाँ पे सीधा स्कूल। तो गाइज ये है ऋतिक का स्कूल, पहुँच चुके हैं स्कूल की ओर। ये आप देख सकते हैं गाइज, ये है स्कूल जिसमें ऋतिक की स्टडी होगी। तो गाइज यहाँ पे एंट्री हो रही है, यहाँ से अंदर जाया जाएगा, पहले एंट्री करवानी पड़ती है। और ये है स्कूल, ये स्कूल जैसे ये दिख रहा है, 3 स्कूल है ऐसे अंदर। और यहाँ पे आज विसाखी का फंक्शन भी है ग्राउंड के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है गाइज। गाइज अभी जा रहे हैं ऋतिक की एफिडेविट बनाने तहसील, और एक इसका मेडिकल करवाना है, और फिर करवाते हैं इसका मेडिकल गाइस। तो चलते हैं तहसील की ओर।
गाइस रीति का करवाना है मेडिकल, और अब हम जा रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। रीति का बापू डॉन हमारे साथ है। रीति का वजन चेक करेंगे। साढ़े पैंतीस। और ये अगर ज़्यादा डीप चली जाएगी तो जो आगे वाला जानते हैं उसकी जड़ खराब। गाइस अब होएगा रीति का मेडिकल चेक कब? गाइस नंबर वन बुलशिट। नंबर वन बुलशिट गाइस। इसको आंख पे बांध दे। गाइस टेस्ट हो चुके हैं और अब जा रहे हैं स्कूल में वापस। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। 2 बजे मिलेगी रिपोर्ट, फिर आते हैं दोबारा। एक बार कुछ खाते पीते हैं जाके, हम फिर खा पी के दोबारा आते हैं रिपोर्ट में। जा रहे हैं वापस स्कूल की ओर। तो गाइस पहुंच चुके हैं स्कूल की ओर और चलते हैं स्कूल के अंदर। गाइस स्कूल तो बहुत बढ़िया है बट मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें मिस कर रहा हूँ जो आपको नहीं दिखा पा रहा गाइस। तो गाइस क्या कर सकते हैं, मैं तो आप लेके जाना चाहता हूँ। स्कूल तो अंदर से बहुत मस्त है गाइस, खाना पीना बहुत ज़्यादा सब कुछ हाई लेवल क्वालिटी है गाइस। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम स्कूल के अंदर। गाइस रीति को कर दिया अलविदा और उसको छोड़ दिया, वो मायूस था। और अब हम जा रहे हैं घर पे। अब जा रहा हूँ घर पे, समय बाद घर पे। उसका बेचारे का मूड ख़राब हो गया था क्योंकि एक बार घर को छोड़ना मुश्किल होता है गाइस, आपको भी पता है एकदम से। तो मिलते हैं गाइस। ये है मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री की थी, अब जा रहे हैं घर की ओर। गाइस पहुंच चुके हैं मस्ताना यहाँ। ये भी आ जाए थोड़ा वीडियो में। गाइस पहुंच चुके हैं मस्ताना ही धाम और एंट्री कर रहे हैं अंदर। आई थिंक यहां पर फोन अलाउड है, तो देखते हैं अंदर जाके। तो गाइस यहां पर नाम चर्चा की तैयारियां चल रही है। ये वो डेरा है जहां से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। और तो अभी हम लेट हो रहे हैं तो चलना पड़ेगा गाइस घर की ओर, तो चलते हैं। चलो चलिए गाइस, गाइस चलते हैं घर की ओर। मस्ताना जी धाम से बाहर आ चुके हैं और घर चलते हैं गाइस। गाइस आगे उसी कैंटीन में जहां आते टाइम रुके थे, कुछ खाते पीते फिर चलते हैं गाइस। यहां के ब्रेड बहुत स्वाद है और देना भी या 4। वही तो बात है।
ये भाई पैक कर रहा है ब्रेड और खाएंगे घर पे जाके ब्रेड। सॉस तो ना ही डाल भाई, अब तो डाली थी। तो चलिए गाइस चलते हैं घरे। तो गाइस आप जा रहे हैं उल्लू को लेने, उसको पहले छोड़ दिया था रास्ते में नदी के घर पे, तो आप फूड बन गया लेके आने का। रास्ते में उल्लू को लेंगे फिर चलेंगे घर की ओर, चलते हैं उल्लू की नदी के घर पे। वाह भी वाह। आज की रोटी लिट्टी की नानी के घर पे, मारी मड़ी है तैयार है गाइस। ऋतिक की मम्मी, ऋतिक तो बेचारा है हॉस्टल में, अब ऋतिक ऋतिक का नाम आ रहा है हमारे मुंह पे। ये है देसी घी का चूरमा और ये है खीर, और ये भी खीर है, इसमें थोड़ा चूरमा मिक्स, खीरे और तरबूज मींस खरबूजे। यार मन पवन कुमार खरबूजा बेचने ला दी है। ओके बाय। हाँ गाइस आप क्या कहोगे गाइस? कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ तो कह दो। कुछ कहते हैं हम, हम कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हम भी बड़े यूट्यूबर बन जाए। सब्जी का अनुवाद किया। हेलो गाइस। तो ओके गाइस फाइनली खाना खा लिया, अब घर पे जाके बाय बाय, चलते हैं घर की ओर। ओके बाय गाइस। ओके गाइस अभी चलते हैं घर की ओर, फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की ओर। बोलो कुछ। हेलो गाइस हम डाल रहे हैं प्याज, फाइनली गड्डी लोड हो रही है यहाँ पे ठीक है। तो फाइनली गाइस घर की ओर चल दिए। तो फाइनली गाइस चल दिए घर की ओर, फुल अंधेरा ऑन रोड, चलते हैं धीरे धीरे घर पे और मच्छर बहुत है। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंचते हुए, पूरी थकावट के साथ बाल बूल उजड़ गए गाइस, आज तो थक गए। एसी उसी कर दो ऑन। और गाइस पूरी तरह से थक चुके हैं और बाइक चला चला के हमारे हिप दर्द होने लग गए हैं।